तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 13 है, टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर एंड टू आर, रेडियस आर एंड टू आर, कैरिंग अ चार्ज ऑफ क्यू एंड टू क्यू, क्यू एंड टू क्यू, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन आउटर शेल, जो बाहर का शेल है उसमें पोटेंशियल में क्या चेंज आया जब मैंने दोनों शेल्स को वायर से जोड़ दिया। चलो मैंने नहीं जोड़ा, जब मैंने नहीं जोड़ा तो आउटर शेल का पोटेंशियल क्या रहा होगा, जब मैंने नहीं जोड़ा आउटर शेल पे किसने पोटेंशियल लगाया, क्यू ने लगाया, कितना लगाया, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय 2r, यह हमने क्योंकि आउटर शेल ने क्या कहा, क्योंकि ये पॉइंट 2r दूरी पे है तो क्या आएगा, टू क्यू डिवाइडेड बाय 2r। फिर आउटर शेल ने क्या लगाया, क्योंकि ये पॉइंट आउटर शेल की सरफेस के ऊपर है तो 1/4πε0 टू क्यू डिवाइडेड बाय 2r, ये रहा। तो जब मैंने इन्हें वायर से नहीं ज्वाइन किया तो ये आउटर शेल का पोटेंशियल है। चलो मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया, तो जब हमने ज्वाइन किया ये सारा का सारा चार्ज कहां शिफ्ट हो गया, आउटर पे, लास्ट टाइम शॉर्टकट किया था, तो अब आउटर शेल पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रही, 1/4πε0 3q डिवाइडेड बाय 2r, ये रहा। अब पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा आउटर शेल पे, बिफोर कनेक्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग, देख लो चेक कर लो इन्हें और इन्हें, ये वैल्यूज बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, कोई फर्क नहीं रहेगा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, तो पहले बिना ज्वाइन किए पोटेंशियल निकाल दो, फिर ज्वाइन के साथ पोटेंशियल निकाल दो, दोनों को माइनस कर लो, आंसर जीरो आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट चार्ज है क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस 2r एंड आउटर रेडियस 3r, थिक शेल है, मेटल भरा हुआ है 2r 3r, एक पॉइंट चार्ज है, ये रहा पॉइंट चार्ज, जिसकी दूरी सेंटर से क्या है, r, राइट right? तो सेंटर से इस पॉइंट चार्ज की दूरी क्या है, r, और ये चार्ज क्या है, q, बाय इंडक्शन इनर शेल पे माइनस q, बाय इंडक्शन आउटर शेल पे प्लस q, तो ये क्या है q, ये क्या है माइनस q, ये क्या है प्लस q, क्लियर है यहां तक। तो क्वेश्चन है सेंटर पे पोटेंशियल बोलो क्या होगा, तीन चार्ज है, पहला पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज सेंटर पे क्या पोटेंशियल लगाएगा, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, फर्स्ट केस। फिर इनर शेल के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, इनर शेल अपने इस सेंटर पे कितना पोटेंशियल लगाएगा, जितना उसकी सरफेस पे, क्योंकि पोटेंशियल, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये शेल के अंदर है, तो शेल अपने सरफेस जितना पोटेंशियल लगाएगा, कितना, 1/4πε0 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2r, ये रहा। क्योंकि अगर कोई पॉइंट शेल के अंदर है तो सरफेस जितना पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन है, फिर आउटर शेल कितना लगाएगा सेंटर पे, क्योंकि ये पॉइंट आउटर शेल के भी अंदर है, तो आउटर शेल अपने सरफेस पे जो पोटेंशियल लगाएगा उतना ही अंदर लगाएगा, सरफेस पे क्या लगाएगा, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय 3r, उतना ही अंदर लग जाएगा, तीनों का कंट्रीब्यूशन हो गया, ऐड करके आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है, तो क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तीनों चार्ज के कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल निकाल के तीनों को ऐड करते हैं, कोई डाउट इसमें, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन ही तो किया हुआ है हमने, वो स्टैंडर्ड है, v इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट, सही है। इसके अंदर तीन शेल्स हैं, ये तीन शेल्स पॉइंट चार्ज के आसपास बने हुए हैं, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये भी है, ये भी है और ये भी है, सारे शेल इक्विपोटेंशियल होते हैं, कंसेंट्रिक शेल्स हैं। तो ये बताना है कि टी वन बड़ा है कि टी टू बड़ा है। देखो जितना आप इस क्यू चार्ज के पास होंगे उतना ही कंसेंट्रिक स्फीयर्स इक्विपोटेंशियल क्लोज होंगे, पास होंगे, और जितना दूर होंगे उतनी स्पेसिंग ज़्यादा होगी। तो सोचो ये स्पेसिंग चार्ज के पास है तो टी वन की वैल्यू कम है और टी टू की वैल्यू ज़्यादा है, तो टी वन और टी टू में टी वन लेस देन टी टू आंसर है, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक। इसके अंदर तीन पॉइंट्स हैं, आपको ऑप्शन मार्क करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, तो सी का और ए का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, तो एक आंसर है वी सी इज इक्वल टू वी ए, डन। फिर ये बताओ ए और बी का किसका पोटेंशियल बड़ा है, बी का कि ए का, ए का बड़ा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज,
तो ए का बड़ा है बी का छोटा है, ये भी क्लियर है यहां तक। अब ए का और सी का बराबर है, तो ये बताओ ए और बी, आंसर ही आ गया वी ए ग्रेटर देन वी बी, बात ही खत्म है। तो हो गया आंसर, ऑप्शन है इसमें क्योंकि वी ए ग्रेटर देन वी बी। तीन चार्जेस हैं, तीन चार्जेस में जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बाय फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कंट्रीब्यूट करेगा वो पूछ रहा है। तीनों के तीनों चार्जेस कंट्रीब्यूट करेंगे, किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन, तीनों के तीनों चार्जेस करेंगे। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, ऑप्शनल है, देखते ही शक्ल आपको पता लग ही रही होगी ऑप्शनल के कैटेगरी में जाएगा ये। अब ठीक है, मैंने डाल दिया तो मैं करूंगा ही, पर प्लस वन से रिलेटेड है सारा। क्वेश्चन है, पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है और मास एम है, ये ना लीनियर मोशन में है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एल्फा माइनस बीटा एक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एल्फा बीटा इसमें कॉन्स्टेंट है। अब वो कह रहा है कि एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट वेयर पार्टिकल वॉज इनिशियली एट रेस्ट, तो ओरिजिन से लेके एक्स वो पॉइंट है जहां पर पार्टिकल किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। ठीक है, ये भी बात समझ में आती है, और कुछ नहीं गिवन। अब वो कह रहा है कि ऑप्शन कौन कौन सी करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है, ये बताओ, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये आती है कि एक पार्टिकल अगर मान लो क्यू चार्ज, उसके ऊपर क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड जब उस पर अप्लाई किया तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो इट विल एक्सपीरियंस एन एक्सलेशन, कितनी, क्यू ई बाई एम। तो देखो एक्सलेशन की वैल्यू क्या होगी, एफ बाई एम, यानी कि क्यू ई बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है एल्फा माइनस बीटा एक्स, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सलेशन की। सही है? आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो अगर मैं रिलेट करूं इसकी ऑप्शन देख के कि कोई मीन पोजीशन की बात कर रहा है, कोई एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, तो इसकी बातों से ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन में तो है, नहीं तो फिर ऐसे ऑप्शन ही ना होते। ये बातें तो एसएचएम वाले क्या करते थे, एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम क्या है, समझ में आता है। अच्छा, 2 मिनट के लिए कोई भी बॉडी अगर एसएचएम में है, तो पेंडुलम है, चलो पेंडुलम में मीन पोजीशन पर जब पेंडुलम पास करता है तो वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है तो नेट फोर्स उसके ऊपर क्या रहती है, जीरो, अभी रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो। अब एक बात, एक काम करो, आप एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दो। अगर एक्सेलरेशन जीरो पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, इसकी मेन पोजीशन, क्योंकि मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि ऑप्शन गिवन था कि मेन पोजीशन के ऊपर, मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन है हाँ या ना, हाँ ये मेन पोजीशन है, क्योंकि मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और जब हमने जीरो पुट किया तो हमारे पास यही एक्स आया, तो एक ऑप्शन तो पक्का ट्रू है। ठीक हो गया यहां पर? अब आगे चलते हैं। जब भी, अब वो ये भी पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब है मीन पोजीशन से पार्टिकल कितनी दूरी पे है, तो मीन पोजीशन पे जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू उसकी क्या होगी, जीरो एक्सट्रीम पे। अब वेलोसिटी तो मेरे पास है नहीं, तो लगाओ अपना काइनेमेटिक्स, एक्सेलरेशन को लिखो कितना, डीवी बाय डीटी, तो एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी की वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर वेरिएबल एक्स है, यहां वेरिएबल टाइम है, डीएक्स से मल्टीप्लाई डीएक्स से डिवाइड कर दो, इससे क्या होगा, डीएक्स बाई डी टी इज वी, और डीवी बाई डीएक्स बच जाएगा। ये देखो डीवी बाई डीएक्स बच गया और डीएक्स बाई डी टी वी कर दिया, तो डीएक्स वाली टर्म्स अब एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके आपके पास वेलोसिटी आएगी, जो भी वेलोसिटी आएगी उसको उठा के जीरो पुट कर दो। जब जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू एक जीरो आएगी और एक क्या आएगी, टू अल्फा बाय बीटा। अब इन पोजीशंस पे क्या होगा, इन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्स है, तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएंगी, एक्सट्रीम पोजीशंस। तो अब जरा ध्यान से देखें,
इस ऑप्शन से मीन पोजीशन मेरी कहां पर थी, x इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, कौन सी पोजीशन है मीन, और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है 2 अल्फा बाय बीटा, और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है अल्फा बाय 0, x इज इक्वल टू 0। तो एक बात बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में से मीन पोजीशन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा एम्पलीट्यूड, माइनस करके देखो तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी अल्फा बाय बीटा, तीसरी ऑप्शन में करेक्ट है। और क्योंकि ये सारी बातें या तो SHM या पीरियोडिक मोशन में होती हैं, तो ये मोशन क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन है, SHM को तो कह नहीं सकते, ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं, आंसर आ गया, तभी तो मीन एक्सट्रीम के बीच में मूव कर रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ऑब्जेक्टिव बुक्स में मिलेगा इसलिए डाल रखा है, अदरवाइज शायद मैं ना भी करवाता, बट ये है कि वो हमेशा डाउट की फॉर्म में बाहर आ जाता है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जैसे स्प्रिंग के साथ मास अटैच होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेम कॉन्सेप्ट सब में यूज हो रहा है, ठीक है यहाँ तक। हाँ एक और पार्टिक एक हाँ ये रह गया मैक्सिमम एक्सलेशन, राइट, मैक्सिमम एक्सलेशन कहाँ पे होती है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सलेशन की वैल्यू हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्स की वैल्यू है, पुट कर देना आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 अल्फा बाय बीटा पुट करके एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर पुट करोगे आंसर आ जाएगा मैक्सिमम एक्सलेशन का। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, मैं कहूँगा प्लस वन रिलेटेड था, आएगा नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं है, वापस प्लस टू पे आ जाओ, कहीं खो मत जाना प्लस वन में, फिर से शेल्फ पे आ जाओ। तो फिर से क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से मार्क करो। तो गिवन क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट किसमें से मार्क करें, ओ अच्छा हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि किधर क्वेश्चन नंबर, अच्छा पैराग्राफ चल रहा है, ये बीच में कैसे आ गया फिर, ये क्या हो रहा है यार, अच्छा ऐसे उल्टा सीधा पेज करेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक पैराग्राफ क्वेश्चन है, पैराग्राफ क्वेश्चन सबको पता लग चुका है कि सब बेकार की बातें करता है पैराग्राफ, सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे तब भी कोई चक्कर है नहीं। अब ये ना पहले शेल्स के बारे में बता रहा है तुम्हें, जो मैं आपको एक लेक्चर दे चुका हूँ शेल्स का, तो तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो कहानी बता रहा है कि वी कॉन्स्टेंट होता है शेल के अंदर, ये होता है वो होता है सब पता है, बस आप सीधा ये बताओ कि एक चार्ज क्यू, एक चार्ज टू क्यू, और वी शेल के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ये रीजन नंबर वन है, ये रीजन नंबर टू, ये रीजन नंबर थ्री है। इस ग्राफ को देखते हुए अगर हम पोटेंशियल का आर के साथ ग्राफ प्लॉट करें, मतलब यहाँ से स्टार्ट होते हुए बाहर चले जाएं और देखें हमारा पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है, तो क्या ऑप्शन मार्क करेंगे। रीजन नंबर वन में फर्स्ट शेल कुछ पोटेंशियल लगाएगा, कितना लगाएगा, कोई भी वन नंबर रीजन, जितना उसके सरफेस पे उतना अंदर, सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा, 1/4πε0Q/R, तो अंदर भी वी कांस्टेंट होगा, तो ये सरफेस का पोटेंशियल है। फिर ऐसे सेकंड शेल कहेगा कि पॉइंट नंबर वन मेरे भी अंदर है, तो मेरे सरफेस का पोटेंशियल लगा दो, सेकंड नंबर शेल का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0Q/2R, तो ये पोटेंशियल है, जो कि दोनों को ऐड करके आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट। तो रीजन नंबर वन दोनों शेल्स के अंदर की जो लोकेशन है वहां पर वी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, तो वहां पर वी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ग्राफ यानी कि ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा बनेगा, कम से कम ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे को मेरा आंसर आर तक क्या गिवन है, कांस्टेंट, या आर तक कांस्टेंट नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है। तो समझ में आ रहा है पहला ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा। फिर रीजन नंबर टू की बात करते हैं, रीजन नंबर टू में कोई भी पॉइंट होगा जिसकी दूरी सेंटर से क्या है, छोटा आर है, तो फर्स्ट शेल के लिए ये डिस्टेंस छोटा आर है, तो वी की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0Q/r है, और सेकंड शेल के लिए ये पॉइंट अंदर है, तो 1/4πε0Q/2Q अपने सरफेस का पोटेंशियल लगाएगा, 2Q/2R है, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर है। तो यानी कि अगला ग्राफ वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर है, आर से लेकर 2R तक, आर से 2R का सिचुएशन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन की, थर्ड पोजीशन का डिस्टेंस आर डैश है, तो अंदर का शेल भी लगाएगा, बाहर का शेल भी लगाएगा, दोनों में डिस्टेंस आर डैश होगी, फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डैश है, तो कॉन्टिन्यूस बनेगा ऐसे, कट मारेगा, क्योंकि ये रीजन अलग है, ये रीजन अलग है, और ये रीजन अलग है, तीन रीजन के ग्राफ बनेंगे, ये दो रीजन का बना रहा है जो कि नहीं हो सकता, तो आपको ग्राफ ऐसा बनाना पड़ेगा, और क्योंकि भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, यही ऑप्शन बनते हैं आपके पास। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे ये ग्राफ मार्क किए जा सकते हैं। देखो कुछ ग्राफ भी देखना है, कुछ वैल्यूज भी देखनी है, कुछ कॉमन सेंस भी लगानी है, सारी चीज़ें हैं इसमें।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इसी के अंदर वो कह रहे हैं जी अब ई का ग्राफ भी प्लॉट कर दो रीजन नंबर 1, 2, 3 में। रीजन नंबर 1 में ई की वैल्यू दोनों शेल्स की वजह से जीरो है, तो जीरो से कैपिटल आर के बीच में ई जीरो रहेगा, जीरो और कैपिटल आर के बीच में ई जीरो रहेगा, जीरो और कैपिटल आर के बीच में ई जीरो रहेगा, जीरो रहेगा और जीरो, तो चार ही जीरो हैं। चलो छोड़ो आगे। फिर रीजन नंबर 2 में, रीजन नंबर 2 में अंदर वाला शेल तो ई लगाएगा, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर का स्क्वायर, लेकिन बाहर वाला लगाएगा नहीं, तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर होगा, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, सही है। लेकिन जब बाहर पॉइंट आ जाएगा यहां पे दोनों शेल लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डबल डैश का स्क्वायर होगा। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, सेकेंड नंबर पॉइंट जो है वो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, तो फर्स्ट शेल तो लगाएगा सेकेंड नहीं लगाएगा, लेकिन आखिरी जो पॉइंट है वो दोनों शेल्स के बाहर है, फर्स्ट भी लगाएगा और सेकेंड भी लगाएगा। अब पॉइंट ये नोट करने वाला है कि कैपिटल आर दूरी पे, कैपिटल आर पे एग्जैक्टली कैपिटल आर पे स्मॉल आर को क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर, तो ये आंसर आएगा। और अगर मैं यहाँ पे निकाल, यहाँ की बजाय एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर ही निकाल लूँ, सेकेंड शेल की सरफेस के ऊपर, बाहर नहीं ऊपर, तो आर डबल डैश को क्या पुट करूंगा, 2R। तो जब मैं यहाँ पे आर डबल डैश को 2R पुट करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा 3/4। 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो देखो फर्स्ट रीजन में ये वैल्यू है 1/4πε³R² और 2R डिस्टेंस पे 0.75। तो सोचो फर्स्ट शेल अगर ये वैल्यू दे रहा है तो दूसरे शेल के सरफेस के ऊपर 75% तो इसके नजदीक होगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। चेक कर लो, फर्स्ट सरफेस कैपिटल आर के ऊपर ये वैल्यू आई, 2R के ऊपर ये वैल्यू आई, कॉन्टिन्यूस हो नहीं सकता ना, क्योंकि इसने जहाँ खत्म करना है उसने यहाँ शुरू नहीं करना, क्योंकि जब 2R आएगा तो सेकेंड शेल एकदम अपने पोटेंशियल, अपने ई की वैल्यू को कॉन्ट्रीब्यूट करके अपने वैल्यू को बढ़ा देगा, ऐसा बनेगा। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि कैसे पहले कैपिटल आर सरफेस पे ई निकलेगा, फिर बाउंड्री 2R पे निकलेगा, तो एकदम वैल्यू शूट कर देगा, क्योंकि पहले सिर्फ फर्स्ट शेल लगा रहा था, कैपिटल 2R के ऊपर दोनों शेल लगा रहे हैं तो वैल्यू एकदम इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो कैसे दो ग्राफ बनेंगे तीन रीजन में, 1, 2 और 3, ठीक, बाकी सब बातें नॉर्मल हैं। वो कह रहे हैं जी इसमें दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है R1 एंड R2 और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नियर देयर सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε³Q1R1² Q2R2² सॉल्व करके क्या आ गया, Q1 Q2 की रेशियो आ गई। क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के हैं, पोटेंशियल की रेशियो क्या है, V1 = 1/4πε³Q1R1 और यहाँ पर 1/4πε³Q2R2। आपको इसकी रेशियो निकालनी है, आपने इसे डिवाइड किया, यहाँ से Q1 Q2 की रेशियो आई हुई है, तो यहाँ पे Q1 Q2 को पुट करके आंसर R1/R2 कैन बी कैलकुलेटेड। चिराग समझ में आ रहा है, चिराग ठीक ठीक है, स्कूल गए थे आज, अच्छा ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये ओनली फॉर नॉन मेडिकल है, मेडिकल भी कर सकता है, GP तो मेरे ख्याल से आती है मेडिकल वालों को, हाँ GP तो क्वेश्चन आती है, GP के तो क्यों हैं, इनफाइनाइट GP। कह रहे नोनो माइक्रोकूलम का चार्ज है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1, 2, 4, 8 इन्फिनिटी तक है, तो आपको इस ओरिजिन के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, तो 1/4πε₀₀⁹ Q/1, इसकी वजह से Q/2, इसकी वजह से Q/4 एंड अपटिल इन्फिनिटी। कॉमन आ गया चार्ज 9 माइक्रोकूलम, ये मेडिकल के लोग जानते हैं इन्फिनिटी है, दो टर्म को डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो सेम आ रही है 1/2, और इन्फिनिटी का सम क्या होता है, A/(1-R), तो A क्या है फर्स्ट टर्म, 1-R का मतलब रेशियो आंसर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया था इन्फिनिटी वाला, ठीक। एक क्वेश्चन और था ऐसा, ये रहा, ये तो पक्का ही नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है, मेडिकल वाले देखे भी ना, सेम प्रॉब्लम है। वो कह रहा है कि X0, 3X0, 5X0 पे -Q चार्ज को रखा गया है, X0, 3X0, 5X0 पे -Q चार्ज को रखा गया है, प्लस क्यू को रखा गया है X0, 3X0, 5X0 पे, और -Q चार्ज को रखा गया है 2X0 पे, 4X0 पे और 6X0 पे, -Q चार्ज को रखा गया है, तो अल्टरनेटिंग चार्जेस हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको पोटेंशियल निकालना है ओरिजिन पे क्या होगा,
तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 एक्स नॉट क्यू डिवाइडेड बाय 3 एक्स नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 एक्स नॉट टिल इन्फिनिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर ये टर्म कॉमन आ गई, ये जो टर्म है 1 माइनस हाफ प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 6। मैथ के लोगों को मैथ के टीचर सिखाएंगे इस सीरीज को लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की सीरीज है तो लॉग ऑफ 2 इसकी जगह ऑप्शन है। मेडिकल में नहीं आएगी, नहीं करना। नॉन मेडिकल में मैथ के टीचर सीरीज सिखाएंगे, तो जब सिखाएंगे तब सिखाएंगे पूरा साल, तो ऐसा कुछ आंसर मार्क। और नहीं भी सिखाएंगे तो भाई ये सीरीज याद कर लो और मैं ऑप्शन नहीं है कुछ भी, डन हो गया लॉग 2। ठीक है यहाँ तक? तो ये एक क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूब है जिसके वर्टेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, क्यू है, पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा? क्यूब का कोई कोने पे जो चार्ज क्यू है वो इतना पोटेंशियल लगाएगा क्यूब के सेंटर पे, हाफ द डायगोनल डिस्टेंस होगा। क्यूब के कॉर्नर पे कितने चार्जेस पड़े हुए हैं? 8। तो 8 से मल्टीप्लाई करके टोटल पोटेंशियल आ गया। ठीक है, एक चार्ज का निकाला, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 8 चार्जेस हैं। क्यूब कैसे होता है ना, क्यूब का डायगोनल क्या होता है? रूट 3 है। हाफ डायगोनल क्या होता है? रूट 3 बाय 2। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था। एन ड्रॉप्स अगर कंबाइन हो जाएं तो नया पोटेंशियल क्या होगा? एन की पावर 2/3, याद करवाया था। नेक्स्ट है, टू पॉजिटिव चार्जेस 12 और 8 आर प्लेस 10 सेंटीमीटर, तो आपको उनको पास लाना है, 4 सेंटीमीटर पास लाना है। पहले दूरी क्या थी? 10। 4 सेंटीमीटर पास आ गए, गलत किया हुआ है, क्लोजर, तो यहां पर क्या आएगा? नया डिस्टेंस 6 आएगा। पहले 10 है अब 6 है, तो पहले एनर्जी 10 सेंटीमीटर के हिसाब से निकाल लो, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 क्यू 2 बाय आर, आर की जगह 10, फिर 4 सेंटीमीटर क्लोजर आ गए तो नया डिस्टेंस क्या हो गया? 6। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 क्यू 2 बाय 6 माइनस करके वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन किया हुआ है जिसका आंसर करवाई देता हूँ। ये लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड ई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एग्जिस्ट करता है। तो पहली लाइन क्लियर है, एक्स एक्सिस की तरफ ई नॉट है, बना दिया। अब वो कह रहे हैं इफ पोटेंशियल वी एट जीरो इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल जीरो पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? जीरो। देन वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू एक्स विल बी इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पोटेंशियल क्या है? वी, राइट? तो आपको वी बताना है क्या होगा। तो एक काम करें, एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ऐसे चल पड़ो यहां से यहां, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। अप्लाई करो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई की जगह क्या पुट करेंगे? ई नॉट, माइनस डी वी की जगह क्या पुट करेंगे? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? एक्स माइनस जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर, ऑप्शन मार्क कर लेना। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स पे कैसे क्वेश्चन करने, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो पहले वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे, फिर ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स में वैल्यू पुट करेंगे इसमें, राइट? नेक्स्ट है, टू स्मॉल स्फीयर ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर प्लेस्ड आर मीटर अपार्ट, इफ वन ऑफ द स्फीयर इज टेकन अराउंड द अदर इन अ सर्कुलर पाथ, तो वर्क डन क्या होगा? बहुत कर लिया, एक चार्ज के आसपास दूसरा चार्ज घुमाएंगे तो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है वो, तो वर्क डन की वैल्यू हमेशा जीरो। मैंने टेस्ट से पहले हिंट भी तो दिया था, बहुत हिंट दिए भाई, जीरो मार्क कर देना, जीरो मार्क कर देना। मैं तो हैरान हूँ जिनके बहुत कम नंबर हैं, भाई तुम सारे पेपर में जीरो ही मार्क कर देते पिछले टेस्ट में, तो भी आपके 6 नंबर तो पक्के ही थे। क्या किसने ऐसा दिमाग लगाया था कि सर ने कहा था जीरो जीरो जीरो, नहीं लगाया, अपने विश्वास रखा, अच्छा किया, ठीक ऐसे करना चाहिए। पर वैसे मैं बता रहा था, पेपर बना दिया था मैंने, क्योंकि इक्विपोटेंशियल का जब भी टेस्ट होगा आधे आंसर जीरो निकलेंगे, देखना। ठीक, पर दिमाग लगा के जीरो मार्क करना, ये रटे टाई बातें मत करना, क्योंकि हर बार संडे नहीं होगा, फाइनल पेपर भी तो होगा। ठीक है,